गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। वैसे दोस्तों, आपको पता होगा कि इस सिरिंज वाले टेस्टर को मैंने पिछली वीडियो में बनाया है और इस वीडियो में इसे टेस्टिंग करने वाले हैं। तो इसे मैं डायरेक्ट लगा लेता हूँ 12 वोल्ट पावर सप्लाई से। आप इसे 4 वोल्ट से भी यूज कर सकते हो। एंड दोस्तों, आप जो गैजेट देख रहे हो जिसे मैं पावर सप्लाई ले रहा हूँ, उसे कैसे बनाया गया, इसका फुल वीडियो जल्दी ही आने वाला है। थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसे आप चार्जिंग से भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने इस चार्जिंग में डाटा केबल लगाया, यहाँ पर पावर आना स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों, ये हमारा टेस्टिंग के लिए रेडी हो चुका है। तो नॉर्मली सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एक स्विच टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे मैं इस स्विच को ऑन कर देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर एलईडी ग्लो करना शुरू कर देते, यानी कि पावर कंटिन्यू हो जा रहा है। एंड अब दोस्तों, मैं दूसरे नंबर पे ले लिया हूँ एक छोटा सा एलईडी लाइट को, जिसे मैंने ही बनाया। अगर दोस्तों आप इसके प्लस को प्लस में एंड माइनस को माइनस में कनेक्ट करते हो तभी एलईडी ग्लो करेगा। यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव को नेगेटिव में कनेक्ट करती है तो एलईडी ग्लो नहीं करेगा। एंड अब मैं ले चुका हूँ एक चार्जिंग का मदरबोर्ड, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हो कुछ कंपोनेंट जल चुका है। जब मैं उसे टेस्टिंग कर रहा हूँ तो एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों वो जल चुका है। इसलिए दोस्तों ये एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, यहाँ पर पावर कंटिन्यू नहीं हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कैपेसिटर चेक करके दिखा दे रहा हूँ कि पावर कंटिन्यू हो रहा है। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्त।